अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रोग्रामर्स कैसे हैं आप लोग खैरियत हैं आज से हम आपके बोड एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पहले एम सी क्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस को देखेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव और प्रोग्रामिंग आउटपुट्स वाले क्वेश्चन को भी हम एक दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे तो ये पूल नंबर वन है फोर्टी कोशनस का पूल है और ये वही फोर्टी कोश्चन्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में फेस करनी होंगे तो क्विकली ज़रा देख लेते हैं कि इनको अटैम्प्ट करने के लिए हम कुछ दो तीन गाइडलाइंस हैं वो कैसे करेंगे कैसे इनको फॉलो करेंगे तो बिफोर वी अटैम्प्ट आवर एग्जाम तो हमें एक दो तीन चीजें जरा जेहन में रखनी है एक तो ये है कि वो लोग जो खासकर प्रिपेयर्ड हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो उनको चाहिए कि वो क्वेश्चन अपना देखें अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद वीडियो को पास कर लें और पास करने के बाद उसको अटैम्प्ट हैं तो उसके बाद फिर अपना वो आंसर जो है वो चेक करें और जिन लोगों की अभी तैयारी नहीं है प्रॉपर या उन्होंने रिव्यू नहीं किया कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो प्रैक्टिस के लिए वैसे भी इसको साथ देख सकते हैं और कुछ चीज़ अगर उन्हें नोट करनी है तो करें बल्कि उसको ज़रूर करें दूसरी अहम चीज़ यह है कि तो आपने हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है और स्पेशली मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि कुछ की वर्ड्स आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि आप जब एग्जाम में जाए जो की हैं आप उनको फोकस करना आपकी प्रैक्टिस बनें और उनको जब आप फोकस करेंगे तो फिर आंसर के ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इनशाला इसे तो इसको आपने आज प्रैक्टिस करना है इनशाला और ना सिर्फ आपके इस सब्जेक्ट में बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी आपने यही फॉलो करना है और आप देखिएगा कि आपको किस तरह हेल्प करता है राइट right ऑप्शन को सेलेक्ट करने में इनशाला एक और चीज़ जो आपने कोशिश करनी है वो ये कि आप जब एम सी क्यूज कर रहे हो तब आपको नहीं पता कि ऑप्शन कौन सी सही है आपने अपनी ऑप्शन जो गिवन है उनको लिमिनेट करना शुरू कर देने कि कौन कौन सी ऐसी आंसर ऑप्शन है जो नहीं हो सकती जो बिल्कुल कंट्राडिक्ट्री है पोलर अपोजिट है या उसके साथ कोई मेल नहीं रख रही कोई कनेक्शन नहीं है कोई रफ्ट नहीं है तो इरेलीवेंट आपको लगती है उसको पहले इलिमिनेट करें फिर दूसरी को करें फिर तीसरी को करें एंड देन फाइनली यू हैव योर राइट ऑप्शन लेफ्ट ओनली तो जिसको आप पिक कर सकते हैं तो इन चीज़ों को जेन में रखते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम टाइम को फोकस नहीं कर रहे हैं आप चाहें तो जब बाद में दूसरा तीसरा चौथा या इससे आगे जितने भी हम आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जरूर फोकस कर लीजिए या इसके अलावा लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी करना है कि ऑप्शन जो है वो कौन सी ठीक है तो इसलिए हम टाइम को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन मस्ट है या आप देख रहे हैं इसमें दो चीजें आपको जेन में रखनी है और मैंने हाईलाइट भी किया है एक तो यह है कि आपका यह आपकी जेन में रहना चाहिए और दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई जेनेरिक डेटा टाइप होती है जी बिल्कुल होती है आपको अगर याद हो तो आप क्या करते हैं आप टेम्पलेट लिखते हैं और उसके बाद फिर आप कोई टाइप देते हैं यानी कि टी और उसके बाद फिर उसी टाइप के आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं जैसे टी ए टी बी वगैरह इस तरह से करके और फिर अपने वेरिएबल्स को आप क्या करते हैं अपने टेम्पलेट फंक्शन में उनको कंप्यूट कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो है वो आप ये समझ लीजिए कि एक टेम्परेट फंक्शन में एक जेनेरिक डेटा टाइप ज़रूर होगा अगर आप देखें, तो उसमें एक टी आपके पास जरूर होता है तो ये एक डेटा टाइप है है, है? टी बेसिकली, तो ये एक एक जरूर होता है, ठीक है? टेम्पलेट फंक्शन में एक जेनेरिक डेटा टाइप हमेशा जरूर होगा याद रखिएगा ओके जी क्वेश्चन नंबर टू है स्टेटमेंट पढ़ते हैं विच ऑफ बेस्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन एक तो वो कह रहा है कि डिक्लेरेशन किसकी फ्रेंड फंक्शन की तो इन दो चीज़ों का आपने फोकस करना है कि फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है पहली देखिए फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर आफ्टर पब्लिक कीवर्ड नहीं क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का जो पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर आफ्टर द प्राइवेट कीवर्ड वर्ड ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि उस पर भी प्राइवेट के कीवर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता यानी पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है फंक्शन कर रहा होता है उसको जरूरत नहीं होती या उसके लिए कोई उसका मैन्यू नहीं रखते ये तो आपके मेंबर फंक्शन है और आपके डेटा टाइप्स हैं यानी डेटा मेंबर्स हैं क्लास के जिनके लिए जरूरी लिखना होता है कि प्राइवेट कौन सा और पब्लिक कौन सा है थर्ड फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर एट द टॉप विद इन द क्लास इससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जरूर टॉप पर लिखें और फोर्थ ऑप्शन है इट कैन बी डिक्लेयर एनी इन द क्लास बिकॉज पब्लिक और प्राइवेट की जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक बात है जो हम ऊपर कह रहे हैं फ्रेंड फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि एक क्लास उसको डिक्लेयर करे फ्रेंड है लेकिन ये है, नहीं, नहीं उसको जरूर एक जगह डिफाइन करें नहीं क्लास के अंदर किसी एक फ्रेंड फंक्शन को आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं एनी वेर इन द्लास विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ एन ओवर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंप्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन तो दो चीजें आपको यहां से पता चल रही है एक कि ये ओवरलोडेड है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये आपने याद रखना है जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक और दूसरी चीज आपने याद रखनी है ये ओवरलोड हुआ हुआ है मेंबर फंक्शन से नॉन मेंबर से नहीं ठीक है ना तो उस सूरत में कौन सी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया आपको पता है प्लस प्लस ए ये आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है तो सी प्लस प्लस में जब आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड करते हैं मेंबर फंक्शन के साथ तब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए और आपको याद आ जाना चाहिए कि वहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते पहली बात तो यह है कि ये इसमें एक प्लस है ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती दूसरी हम कोई पैरामीटर नहीं पास करते यहाँ एक पैरामीटर पास हुआ हुआ है और नीचे भी एक पैरामीटर पास हुआ हुआ है तो इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन ठीक होगी क्या आपकी क्लास का नाम होगा ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट है तो ऑपरेटर के साथ प्लस प्लस है ये प्री है और उसके बाद कोई पैरामीटर हम पास नहीं करते तो ऑप्शन थर्ड हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ओके okay, जो क्वेश्चन नंबर फोर है क्लास देखिए क्लास को गेन आपने जेन में रखना है कि क्लास क्या चीज है इसकी डेफिनेशन है क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मेमोरी रेफरेंस नहीं वैल्यू बिल्कुल भी नहीं और इसका मतलब यह है कि क्लास क्या होती है

अब ये देख लीजिए लेफ्ट साइड पे एस्टेरिक नहीं यूज हुआ हो। ये ऐसी लिखी है जिसे आप कह सकते हैं है है, तो है, आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो देखिए एक इंटीजर चार बाइट का होता है तो उसने तीन इंटीजर असल में मूव करने हैं तो चार तरफ तीन कितने होंगे बारह इसका मतलब यह है कि वो बारह

प्रेंसेज हैं तो प्रेंसिस में तो हम नहीं यूज़ करते न्यू के साथ आपको अच्छी तरह पता है सेकंड ऑप्शन ये है कि न्यू आईएनटी एन टेन ये देखिए न्यू पहले आ रहा है आईएनटी बाद में आ रहा है तो टाइप पहले नहीं चाहिए तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती थर्ड ऑप्शन है इन 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 टेजर उसके बाद न्यू और उसके बाद स्कूर ब्रैकेट्स में टेन लिखा हुआ तो है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है फोर्थ अगर आप जाएँ तो आई न्यू ये तो बिल्कुल जैसे आप अरे डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन इजिकल टू तो ये असाइनमेंट अगर आया तो ये असाइनमेंट भी गलत है करली ब्रैकेट्स होती हैं तो ऑप्शन थ्री जो है वो आपने ठीक है आई एन टी इंटीजर लिखेंगे न्यू का ऑपरेटर ये कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप साइज दे देंगे और आपने ऊपर कहा कि टेन इंटीजर्स के लिए आपने मेमोरी एलोकेट करनी है तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्मड थ्रू तो मुख्तलि ऑपरेटर जो है वो हम ओवरलोड करते हैं तो क्या हम क्लासेस से कर सकते हैं या फंक्शन से कर सकते हैं रेफरेंसेज तो चूंकि मेमरी के ड्रेसेज होते हैं इनके थ्रू तो हम नहीं कर सकते तो आपको पता है कि ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं क्लास के थ्रू भी और फंक्शन के थ्रू दोनों क्योंकि क्लास के अंदर भी फंक्शन होते हैं और फंक्शन अगर हम ऑपरेटर ओवरलोड का अलग से भी लिख सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगी जी हम कर सकते हैं क्लासेस के साथ भी और फंक्शन के साथ भी बहुत क्वेश्चन नंबर एट है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी तो आपने दो की वर्ड अपने जेन में रखनी एक तो अपने साइज को क्या करना है इनक्रीज चेंज करना है ऑलरेडी आपने मेमोरी एलोकेट कर दी है इसका मतलब यह है कि कैलोक से या मैलक से आपने मेमोरी एलोकेट करवाई हुई है पहले अब आप उसको रीसाइज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं

इंटीजर के स्पेस कर देगा। अच्छा इसके लिए भी क्या होगा स्पेस अगर साथ ही सेम रहेगा और अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो वो फ्री हो जाएगी किसी और जगह आपको एलोकेट की जाएगी और एक नया रेफरेंस जो है, वो आपकी जो है उसके अंदर आ जाएगा तो दिस इज ऑ रू जो है वो काम करता है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगी रू एलग क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ दॉ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव हमने देखा था प्री प्रोसेसर के केस में या जिस लेक्चर में हमने उनको रिव्यू किया था तो उसमें अच्छी तरह हमने देखा था कि डिफाइन लाइन इफ इफ ये ये सारे के हैं, वो आपके डायरेक्टिव वैलिड यहाँ पर आप देखें तो एन डिफाइन है तो इफ एन डेफ था वो इफ नॉट डिफाइन जो था वो ये लेकिन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये है ये कोई वैलिड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप ले सकते हैं बाकी सारे तीनों गिवन जो है वो वैलिड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज मैलक एंड फ्री आर डैश तो न्यू और डिलीट हैं ये आपकी क्या हैं ऑपरेटर्स हैं। तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन गलत हो सकती है ये भी गलत होगी अब इन दोनों में से कोई ठीक हो सकती है वेयर एज मैलक एंड फ्री मैलक कैलक वी एलक या फिर फ्री आपकी क्या फंक्शंस है? हैं तो दर्ड ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि फोर्थ में क्लास लिखे तो वो क्लासेस नहीं है तो ये दो आपकी हमारे ऑपरेटर हैं और बाकी दो हमारे या मैलक क्यालक फ्री ये हमारी क्या है मेमोरी के फंक्शंस है मेमोरी मैनेजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक मेंबर फंक्शंस डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास यानी एक मेंबर फंक्शन की तरह कौन क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है तो देखिए जब एक क्लास किसी और क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर कर देती है तो वो क्लास के प्राइवेट यानी या तो 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 या और फंक्शन है जो कि नॉन मेंबर फंक्शन है तो उसका क्लास से तो कोई रिलेशन नहीं बनता एनी फंक्शन आउटसाइड ये भी बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब वो क्लास जो किसी एक क्लास की क्या होगी फ्रेंड होगी फ्रेंड क्लास डिक्लेयर होगी वो जिसने डिक्लेयर किया उस क्लास के पब्लिक प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है, है, है इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन जो है वो यूज करनी होगी आपको कब नॉन मेंबर ओवरलोड ऑपरेटर के लिए यानी आपने कोई ऑपरेटर ओवरलोड करना है एक तो आपने ये देखना है और दूसरा वो कब सिचुएशन में करना है नॉन मेंबर के केस में तो देखिए पहली दी है कि ऑपरेटर जरूरी नहीं है कि वो हो. आप, तो नहीं करते, आप कोई भी और कर सकते हैं नॉन मेंबर है, तो है जरूरी नहीं है कि वो क्लास का ऑब्जेक्ट ही हो थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट ऑपरेंट इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप देखिए नॉन मेंबर केस में अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो नॉन मेंबर के केस में जब ऑपरेटर ओवरलोड होता है तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होता है बिल्ट इन डेटा टाइप तो इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन आपकी ठीक है दर रिटर्न रेफरेंस नहीं जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेटर जब ओवर क्योंकि यहां पे सिर्फ ऑपरेटर तो हर ऑपरेटर जो है वो रेफरेंस ही रिटर्न करता हो कुछ केसेस हैं लेकिन नॉट ऑल केसेस तो इसका मतलब यह है कि नॉन मेंबर ऑपरेटर जब ओवरलोड होगा तो आपकी लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंट है वो एक बिल्ट इन डेटा टाइप होना चाहिए नेटिव डेटा टाइप होना चाहिए तो ये ऑप्शन सी जो है वो यहाँ से करेक्ट है क्वेश्चन नंबर है दी स्ट्रीम स्ट्रीम एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड देखिए सी आउट और यूज करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि ओवरलोडिंग से पहले जब हम यूज कर रहे थे जब हमें इसका आइडिया नहीं था कि ऑपरेटर ओवरलोड कैसे करने हैं तो आपने देखा होगा हम उनको सी आउट को यूज करके हम भी प्रिंट करवाते थे इंटीजर भी करेक्टर भी इसी तरह सी एन में भी सारा काम कर रहे थे तो इसका मतलब ये है यानी इनपुट और आउटपुट यानी स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के और इंसर्शन के ये दोनों ऑपरेटर्स जो है वो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स या नेटिव डेटा टाइप्स के लिए पहले से ही ओवरलोड हुए हुए हैं तो हम यूज करते रहें इनको तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्ट इन के लिए ऑलरेडी ओवरलोडेड है आपको अरे को सी आउट करना हो तो आपको लिखना नहीं पड़ता अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता आपको ये बताना नहीं पड़ता कंपाइलर को कि एक इंटीजर है इसको इस तरह से आउटपुट करना है नहीं आप सीआउट लिखते हैं इंटीजर पास करते हैं वो उसको प्रिंट कर देता है उसको आउटपुट कर देता है उसको डिस्प्ले कर देता है हाँ अगर आपके पास कोई आपका अपना क्लास या कोई और इस तरह का ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है जिसको आपने सी से प्रिंट करना है तो फिर आपको ओवरलोड खुद करना पड़ेगा तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए ये दोनों यानी स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन या स्ट्रीम इंसर्शन यानी सी आउट और सीएम ये ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए ओवरलोडेड हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से फोर्टीन हम देखते हैं कि जी अगर हम डिफाइन करते हैं कोई भी आइडेंटिफायर जैसे हमने मैक्रो डिफाइन किया था कि डिफाइन पाए थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव जो भी इसकी वैल्यू है तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ द पाए क्या रिप्लेस हो जाती है बिल्कुल नहीं होती रिमेन्स कंस्टेंट जी बिल्कुल ठीक है ऐसा ही होता है जो हम मैक्रो डिफाइन करते हैं डिफाइन के कीवर्ड से आपको याद होगा हमने एक्सप्लोर किया था बड़ी डिटेल में अपने मैक्रोज के लेक्चर में जब हमने डिफाइन से शार्प साइन और डिफाइन से मैक्रो कोई डिफाइन कर दिया कुछ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट हमने बना दिया पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू वही रहेगी इनफैक्ट जहाँ वो कॉल होगा ये वैल्यू वहां पर सब्टीट्यूट हो जाएगी कैन बी चेंज में सम ऑपरेशन बिल्कुल ही नहीं कर सकते हम और तो ओनली ऑप्शन करेक्ट हेयर इज रिमेन कॉन्स्टेंट वेन एवर डायनेमिक मेमरी इज एलोकेटेड इन सी प्लस प्लस तो इसको फ्री कैसे करना है ये देखिए डायनेमिक मेमरी आपने एलोकेट की है इस चीज़ को भी जरा जेन में रखिएगा तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं हम तो ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि उसको फ्री करें और वो चूंकि ख़ुद फ्री करता है कुछ लिख के फ्री का अभी हमने पढ़ा भी था कि फ्री का जो फंक्शन है वो ये काम करता है कि आपने जो मेमोरी रिजर्व किया आप उसको यूज़ करते हैं उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फिर मेमोरी फ्री करता है तो इसलिए फिर हम क्या कह सकते हैं जी बिल्कुल हम एक्सप्लिसिटली ख़ुद वो मेमोरी फ्री करते हैं नहीं करेंगे तो उसके मिसाइल हैं जो हमने देखे थे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर उसमें सबसे बड़ा एम इश्यू जो है वो मेमोरी लीक का क्या विशेष फंक्शन डज नॉट इनिशिएट द दैक ऑफ द मेमोरी टू ऑल जीरोस देखिए हमने पढ़ा था अपनी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कि कैलक जो है वो जब उससे मेमोरी हम एलोकेट करवाते हैं तो वो स्लॉक्स हैं वहां पर जीरो निशलाइज कर देता है तो कैलक जो है ये तो खुद करता है री एलग तो है वो बाद में क्या करता है मेमोरी को एक्सटेंड कर देता है कर देता है तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेशन भी अगर आपको याद हो तो जो है वो मेमोरी तो एलोकेट करता है लेकिन वो सारी मेमोरी ब्लॉक्स को जीरो से खुद से नहीं करवाता तो मेलेक या करेक्ट ऑप्शन है फंक्शन फ्री रिटर्न दमरी एलोकेटेड थ्रू कैलक एंड मेलिक बैक टू देखिए अभी हमने बात की थी कि फ्री जो है वो ये मेमोरी को क्या करता है रिलीज करता है एक्सप्लेटी जो हम बात कर रहे थे अच्छा हमने मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाई वो चाहे अलग से करवाई या मैं से करवाई जब फ्री हमने कॉल किया तो फ्री क्या करेगा ये मेमोरी रिटर्न कर देगा बाय डेफिनेशन आपको याद होगा कि जो मेमोरी हम एलोकेट करवाते हैं इन फंक्शन के थ्रू वो कहाँ से एलोकेट होती है डायनेमिक मेमोरी होती है वो और हीप से एलोकेट होती है स्टैक पे हमारे वेरिएबल्स और कुछ और चीजें पड़ी होती हैं तो स्टैक नहीं हो सकता और दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है तो हीप से हम मेमरी एलोकेट करते हैं रन टाइम पे और जैसे हम फ्री कॉल करते हैं तो वो मेमरी जब रिजर्व हमारी फ्री होती है तो वो वापस हीप को मिल जाती है या हीप का हिस्सा बन जाती है और हमारे प्रोग्राम ओवर्स किसी को भी मेमरी चाहिए हो तो वो दोबारा एलोकेट करवाई जा सकती है तो हीप इज द करेक्ट ऑप्शन द विथ इज ए मेंबर ऑफ फंक्शन ये आपको पता है बड़ा सिंपल सा फंक्शन है आप सी इन और सी आउट दोनों के साथ यूज करते हैं यहां लिखा हुआ सी इन सी आउट नहीं हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन ये सी जो है वो करेक्ट है डेफिनेशन ऑफ देखिए आई एफ स्ट्रीम यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो किस हेड्रोफाइल में होती है एफ स्ट्रीम के अंदर आपको पता होती है जितने भी हमने फंक्शन किए थे फाइल हैंडलिंग के अगर आपको चैप्टर याद हो तो आई एफ स्ट्रीम हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और इससे पहले हम एफ स्ट्रीम वाली हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करते थे तो यहाँ से ऑप्शन डी यानी एफ स्ट्रीम जो है ये ऑप्शन करेक्ट है टू एक्सेस डेटा मेंबर्स नी स्ट्रक्चर आपको याद होगा जब हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था बनाया था तो हमने दो तीन चार वेरिएबल्स डाले थे करेक्टर एरे नेम हमने डिक्लेयर की थी करेक्टर प्रोग्राम डिक्लेयर किया था टाइप की हमने आईडी स्टूडेंट आईडी डी डिक्लेयर की थी और हम क्या करते थे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे एस टी वन तो हम कहते थे एस टी डी वन डॉट आई तो हम क्या यूज करते थे तो यहाँ से डॉट ऑपरेटर जो है वो आपने यूज करना है डैश तो कोई ऑपरेटर नहीं होता एस्टिक्स आपको पता है पॉइंटर के लेफ्ट साइड पर लिखी जाती है या फिर एस्टिक्स एथेमेटिक ऑपरेटर आपका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है एरो ऑपरेटर जो है अलबत्ता स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है बट बी केयरफुल पॉइंटर जब आपने डिक्लेयर किया किसी स्ट्रक्चर को या डिक्लेयर या पॉइंट करवाया हुआ तो उस पॉइंटर के थ्रू जब आप डेटा मेंबर एक्सेस करेंगे तब आप एरो ऑपरेटर यूज करेंगे लेकिन अब नॉर्मली पॉइंटर का जिक्र नहीं है सिंपली ये कहा गया है कि स्ट्रक्चर के आपने डेटा मेंबर यूज करने हैं या एक्सेस करने हैं तो वो डॉट ऑपरेटर से होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ए क्लास इज डैश फ्रेंड फंक्शन क्या होता है यहां पे देखिए फ्रेंड फंक्शन कोई मेंबर फंक्शन होता है नहीं क्लास के मेंबर फंक्शन तो उसके अंदर पड़े होते हैं नॉन-मेंबर फंक्शन होता है जी बिल्कुल नॉन मेंबर होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता प्राइवेट तो चूंकि क्लास के अपने होंगे पब्लिक भी क्लास के अपने होंगे तो फ्रेंड फंक्शन जो है कहीं से बाहर लिखे जाते हैं क्लास उनको किसी भी फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकती है द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन फॉर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन सी आउट ऑपरेटर इज मस्ट बी पास बाई वैल्यू देखिए अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर आपको सी आउट या स्ट्रीम इंसर्शन का जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड करने का आपको सिंटेक्स पता है या उसका आइडिया पता है तो फिर आप इसमें से पिक कर सकते हैं बट वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं देखिए जब हम स्ट्रीम इंसर्शन का ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो हमारे पास जो पहला पैरामीटर होता है हम उसको रेफरेंस पास करते हैं क्यों हमें एक्चुअली जो आपका ओ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करते हैं ना जिसको ओ एस कह लीजिए आप ओ एस टी कह लीजिए कोई ऑब्जेक्ट उसका नाम दे लीजिए तो हमें उस ओ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट को या सी आउट स्ट्रीम जो है उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके उसको मॉडिफाई करना होता है देखें अपने फंक्शन में आपको याद होगा कॉल पर रेफरेंस में हमने कहा था कि अगर किसी फंक्शन को रेफरेंस उसका पास किया जाए तो अब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं पास बाय वैल्यू में जो वैल्यू आप पास करते हैं वो तो फंक्शन के अंदर लोकल कॉपी तक रहती है लोकल कॉपी अपडेट हो जाती है फंक्शन के अंदर प्रिंट कर लें कंप्यूट कर लें यूज कर लें जैसे आप फंक्शन से बाहर निकलेंगे एक्चुअल पैरामीटर वही पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मैंने कोशिश तो की इसको सिंप्लीफाई करने की ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि फिर इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा आई वुड इनकरेज कि आप ये ऑपरेटर ओवरलोड का जो चैप्टर है उसको दोबारा देख लीजिए अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम क्या करेंगे ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है कि पास बाय बाय रेफरेंस करेंगे और पास रेफरेंस मैंने बताया क्यों करना है इसलिए कि ऑपरेटर ने स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई उस वक्त कर सकता है जब हम उसको पास बाय रेफरेंस करेंगे अब पास बाय रेफरेंस हुआ तो अब वो मॉडिफाई भी हो सकता है पास बाय वैल्यू में वो मॉडिफाई नहीं हो सकता तो शायद आपको इसका थोड़ी सी इसकी कॉज पता चल गई उसकी रीजन हम की हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट क्यों किया यानी वैल्यू वाली ये देखे दोनों तो हो नहीं सकती कि आप वैल्यू रेफरेंस कोई भी एक देख दे, दे ऐसा नहीं हो सकता और बाय वैल्यू हमने बताया कि क्यों नहीं हो सकती और मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नहीं ये भी नहीं हो सकता सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता बल्कि क्या होगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा तो ये याद रखना है आप में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ट्वेंटी थ्री है विच आर होल्ड्स इन द केस ऑफ हीप मेमोरी कंसीडरिंग द साइज देखिए हीप की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि साइज के बारे में आपका क्या ख्याल है तो रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही वेक जैसी रहती है ऐसा तो नहीं हो सकता चीज डायनामेटली जी बिल्कुल देखिए आपने प्रोग्राम जब आपने चलाया ही सिचुएशन कुछ और अब आपने दस इंटीजर डिक्लेयर किया वहां से मेमरी आपको एलोकेट होगी तो ईप का साइज यानी फोर्टी बाइट्स कम हो गया जितना भी साइज था अब आपने जाके आगे प्रोग्राम में तीन चार वे ब्रोल डिक्लेयर कर दिए फिर ईप का साइज कम हो गया आपको मेमरी एलोकेट करवा दी गई आगे चलते जा रहे हैं आपने प्रोग्राम में कोई मेमरी आपने रिलीज कर दी है आपने एलोकेट करवाई थी तो फ्री का आपने फंक्शन कॉल किया और कुछ मेमोरी आपने रिलीज कर दी तो वो वापस हीप को मिल गई कहीं आगे जाके आपने फिर कोई मेमोरी एलोकेट कर ली तो यू एलोकेट कर रहे हैं साइज कम हो रहा है फ्री कर रहे हैं वापस उसमें जा रही है है साइज ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है चेंजेस डायनेमिकली इसका साइज जो है है वो चेंज करता रहता प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि ये प्रोग्राम छोटे हैं बड़े हैं या उसका साइज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है साइज जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब कितनी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की है कितनी रिलीज की है और ये डायनेमिक हो रहा होता है ऐसा डायनेमिक हो रहा है कि बढ़ रही है कम हो रही है कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती एक जैसी नहीं हो सकती कॉल होती है आपकी तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखते हैं जैसे फॉर फंक्शन कॉल की तो उसके बाद फिर पैरामीटर ए कॉमा पैरामीटर बी फिर पैरामीटर सी जी आप बिल्कुल ठीक समझ गए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट राइट फ्राम नहीं लिखते ना और नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऐसा भी नहीं होता जिस ऑर्डर में आप लिखते हैं डिफाइन करते हैं उस ऑर्डर में ही आप पास करते हैं यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले एक इंटीजर पैरामीटर दिया हुआ फिर आगे आपने करेक्टर दिया हुआ और उसके बाद जब आप पास कर रहे हैं तो पहले करेक्टर पास कर रहे नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता लेफ्ट राइट -right पास करेंगे और जिस ऑर्डर में आपने ऊपर डिफाइन किया फंक्शन की डेफिनेशन में डिक्लेरेशन में उसी तरह से आपने पास करना होगा तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द क्लासेज दैट आर डिफाइंड इन साइड अदर क्लासेज आर कॉल देखिए इन साइड का लफ्स यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको बता रहा है एक लूप के अंदर जब हम एक और लूप आपको पता होगा हम क्या करते थे हमने कहा जी फार और उसके बाद हमने एक लूप चलाया और उसके अंदर एक और हमने फार का लूप ले लिया तो ये जो अंदर वाला फार का लूप होता था इसको हमने कहा था ये नेस्टेड लूप है जी बिल्कुल यहाँ पे भी एक क्लास के अंदर कोई क्लास क्लासेंगती है, है तो वो नेस्टेड होती है लूप तो बिल्कुल नहीं है और ओवरलोड भी यहां पे नहीं है और फ्रेंड का कीवर्ड वर्ड डिक्लेयर करता है तो एक क्लास के अंदर जो दूसरी क्लास आएगी वो क्या होगी नेस्टेड होगी नेस्टेड का लफ्स बता रहा है नेस्टेड नेस्टेड इफ लूप के हमने मिसाल दी है तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्टी सिक्स विच वैल्यूज रिटर्न बाय बाई डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में आप बुनियादी चीजें सारी जानते हैं और आपको जाननी चाहिए तो डिस्ट्रक्टर जो है ये उस वक्त कॉल होता है आपको पता है जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है या फिर आप आपकी अपना ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से एक्सप्लिस डिलीट करते हैं तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल होता है कि आपकी कुछ हाउस कीपिंग होती है आसान लुफ में और उसके बाद फिर आपकी मेमरी जो है वो वापस कर दी जाती है तो जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो डिस्ट्रक्टर ना तो कोई ना ओवरलोड हो सकता है याद रखिएगा और ना ही कोई पैरामीटर रिटर्न करता है यानी कोई चीज़ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता सिर्फ ये अपनी हाउस कीपिंग का काम करता है तो डिस्ट्रक्टर डज नॉट या डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ना ये ओवरलोड होते हैं यह बुनियादी कॉन्सेप्ट है और ना ही ये कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा कभी यह ओवरलोड भी नहीं होगा डिस्ट्रक्टर इसको आपने याद रख ले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एवरी क्लास कंटेन्स दी हर क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है डिस्ट्रक्टर हो सकता है क्या सिर्फ कंस्ट्रक्टर या सिर्फ डिस्ट्रक्टर होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं डिस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ना हो तो कंस्ट्रक्टर ओनली भी गलत हुआ डिस्ट्रक्टर ओनली भी गलत यानी ऐसी कोई क्लास नहीं है जो सिर्फ कंस्ट्रक्टर रखती हो नहीं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और चाहे आप एक्सप्लेसिटली आप अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करें नहीं करेंगे तो जब आप प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे तब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गई होगा अब इम्प्लेसिड डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और अगर इंप्लेसि डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हुआ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे यूज हुआ और क्लास उसी में डिस्ट्रक्टर भी फिर हुआ जब ऑब्जेक्ट आपके भी अगर डिस्ट्रॉय या डिलीट हो रहे हैं तो दोनों होते हैं क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर 28 है जिसमें इंटीजर भी हो फ्लॉट भी हो बेस्ट वे टू डूज आप आपके पास तीन स्नैरियज के बनाए इंटीजर का भी मेट्रक्स हो सकता है फ्लॉट का भी डबल का ऐसे केसेज में आपको याद आना चाहिए जब आपका कोई इस तरह का डेटा टाइप जिससे डील करना हो जो थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको लग रहा हो, हो सकता है वेरी कर सकता है ऐसे केसेस में आपको याद होगा आपने एक चीज पढ़ी थी जी बिल्कुल क्या आप टेम्पलेट्स डिक्लेयर कर लेते हैं आप ये नहीं जेनेरिक टाइप बना लेते हैं तो वो जेनेरिक टाइप टेम्पलेट के साथ आती है आप ऐसी सूरत में देखे एक तो हो सकता है ना कि हम इंटीजर के एक मेट्रक्स बनाए

है है साइन से स्टार्ट होता क्वेश्चन नंबर व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे सीक्वेंस आपने इवेंटेंसन में रखनी है यानी उन्होंने पूछी हुई है सीक्वेंस क्या होगी कब वेन डी एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने वो डायनेमिकली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो आपने डिलीट किया है तो आप मेमोरी डीएलोकेट कर रहे हैं जी अब है, बिल्कुल ऐसे ही है अगर आप मेमोरी डीएलोकेट कर रहे हैं तो फिर बैकेंड पे क्या होगा इस चीज को जरा जेन में रखना है अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो क्या होता है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर जब अपनी हाउस कीपिंग कर लेता है उसके बाद फिर मेमरी डीएलोकेट की जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली ब्लॉक ऑफ मेमरीज डीएलोकेटेड नहीं ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेमरी डीएलोकेट हो जाए ओनली डिस्ट्रक्टर नहीं ऐसा भी नहीं होता मेमरीज डी एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर नहीं बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा फर्स्ट उसके बाद मेमोरी को डी एलोकेट किया जाएगा तो जो ऑप्शन फोर है आपकी मैनिपुलेशन है। है, आपको पता है अभी हमने बिट मैनिपुलेशन का जो लेक्चर या कंटेंट रिव्यू किया था उसमें हमने एक्सप्रेसिवली या क्लियरली एक बात की थी कि हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम करेंगे और पॉजिटिव नंबर्स के मतलब ये उनकी कोई साइन नहीं होती और आपको याद होगा हमने वहां पे अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर किए थे जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए थे साइन इंटीजर्स के साथ नेगेटिव हो सकता है इनफैक्ट जब आप साइन डालेंगे तो नेगेटिव होगा किसी नंबर के लेफ्ट साइड कोई साइन नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है इंप्लिसिट होता है कि वो नंबर क्या है पॉजिटिव है हम डबल के साथ नहीं काम करते इसलिए यहां पे ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकती करेक्ट ऑप्शन इज अनसाइंड इंटीजर 32 है स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डैश अंडर द सिंगल नेम तो ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है बिल्कुल आपको अच्छी तरह पता है कि एक नेम के नीचे हम जो मुख्तलिफ डेटा टाइप इकट्ठे कर देते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो बेसिकली क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो आप यहाँ पे आप वेरिएबल्स ले सकते हैं कि हमने यही किया था स्ट्रक्चर बनाया था और हमने और स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने इकट्ठे कर दिए थे एक नेम हमने रख दिया था जैसे कि स्टूडेंट का हमने स्ट्रक्चर बनाया था इंटीजर आई इंटीजर सेमेस्टर उसका नेम दिया था कैरेक्टर उसका प्रोग्राम लिया था फिर फ्लोर सी जीपीए लिया था तो ये डिफरेंट हमने पांच डेटा टाइप्स को नेटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप्स को इकट्ठा कर दिया कलेक्ट कर दिया अंडर सिंगल नेम स्टूडेंट तो ये क्या था स्ट्रक्चर नेक्स्ट है यूनिरी ऑपरेटर यहां से आप देखिएगा यूनरी ऑपरेटर इसको याद रखना है यूनरी ऑपरेटर इंप्लीमेंटेड एज ए मेंबर फंक्शन अगेन एक तो यूनरी ऑपरेटर है और दूसरा आपका मेंबर फंक्शन है तो ये दो चीजें आपने भी जेन में रखनी है क्वेश्चन को पढ़ते हुए टेक्स डैश आर्ग्यूमेंट एज नॉन मेंबर फंक्शन टेक्स ड देखिए दो चीजें पूछी हुई है एक कि अगर आपका यूनिरी ऑपरेटर है यूनिटी ऑपरेटर आपको पता है वो कौन सा होता है जो किसी भी एक ऑपरेंट के ऊपर काम कर सकता है तो अगर आपका यूनिरी ऑपरेटर है उसको आपने ओवरलोड किया हुआ है तो मेंबर फंक्शन में वो कितने आर्ग्यूमेंट लेगा नॉन मेंबर फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट लेगा तो पहले ये समझिए कि यूनिरी ऑपरेटर पैरामीटर्स लेता कितने क्योंकि एक ऑपरेंट के ऊपर वो परफॉर्म हो जाता है इसलिए इसका मतलब यह है कि वो एक ही ऑपरेंट लेगा एक ही पैरामीटर लेगा अब सवाल यह पैदा हुआ कि मेंबर फंक्शन जब हम यूज करेंगे तब कितने लेगा नॉन मेंबर यूज करेंगे तब कितने लेगा तो तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो यूनरी को जब आप मेंबर फंक्शन में यूज करते हैं तो आपको याद होगा वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो दिस पॉइंटर से इम्प्लीसिड पास हो जाता है यूनरी ऑपरेटर ने एक ही ऑपरेंट पे काम करना है और वही ऑपरेंट या एक पैरामीटर वो अगर के पॉइंटर से वो ऑब्जेक्ट दिस के पॉइंटर से इम्प्लीसिड पास होगा इसका मतलब तो यह है कि यूनरी मेंबर के केस में कोई पैरामीटर नहीं लेगा जीरो होंगे तो जीरो वाली ऑप्शन आप अभी जेन में रख लीजिए ये शायद हो सकती है आगे चलिए अब यूनरी लेते ही एक है तो जब नॉन मेंबर होगा तो एक पैरामीटर देना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी वो मेंबर के केस में वन लेता है नहीं वो तो हमने खुद कहा इम्प्लीसिड पास हो रहा है इसलिए ये वन वाली ऑप्शन गई और बाकी आप देखें तो सारी वन वाली तो एक डेफिनेशन अगर आपको याद रह गई कि यूनरी एक ऑपरेंट पे काम करता है एक और मेंबर फंक्शन में वही ऑपरेंड वही ऑब्जेक्ट दिस पॉइंटर से इंप्लीसिट पास हो जाता है तो वहां पे पैरामीटर देने की जरूरत नहीं रहती तो आपने देखा कि एक डेफिनेशन से अब आप चीज़ों को शॉर्ट आउट कर पाए हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगेन यू मे बी थिंकिंग ऑफ के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग पे आपको थोड़ा सा अबूर होना चाहिए नहीं है तो काइंडली कोई मसला नहीं आप जाइए कॉन्टेंट को दोबारा रिव्यू कीजिए और नेक्स्ट पोल में आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आप खुद अगर आपको ये चैलेंजिंग लग रहे हैं दो कि थोड़े सिंपल क्वेश्चन या कुछ यहाँ पे हमने आ, कोशिश की है कि आपको उसका फ्लेवर दिया जाए लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे वो सिंपल ही हैं इंटरमीडिएट लेवल तक है, ही हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स ही हैं डिफ़िकल्ट नहीं है या डिफिकल्टी लेवल उनका इतना ज़्यादा हमने नहीं रखा थर्टी फोर है द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ओवरलोडेड स्ट्रीम इन सर्शन ऑपरेटर अगेन वही स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आ गया और दूसरा ओवरलोडेड आ गया दो चीजें अपनी याद रखी लेकिन एक चीज एन यहाँ पे कि पहला पैरामीटर आपने क्या देना है अच्छा एक तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पहला पैरामीटर जो है वो आपने क्या देना है वेयर सेकंड पैरामीटर सब सबने दोनों बता रहे हैं तो अभी अब ये देख लीजिए कि अगर आपको स्ट्रीम इंसर्शन की ओवरलोड की प्रोटोटाइप लिखनी आ गई है या आप उसको अभी आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि इस केस में जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो आउटपुट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहला वो होता है और दूसरा ये देखिए अगर वो होता है इसका मतलब है आउटपुट स्ट्रीम है यानी इंसर्शन है तो इसका मतलब है ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती ये तो इनपुट स्ट्रीम की तो बात ही खत्म होगी बाकी तीन रह गई तो लेफ्ट साइड पर हमने कहा कि जो पहला ऑपरेटर होता है या सॉरी जो पहला पैरामीटर होता है वो आपकी आउटपुट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट होता है या आपकी ये ही हो सकता क्योंकि दोनों में ये वो याद आपका सेकंड पैरामीटर होता है उसको यहां पे आना है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को यहां पे आना है और जो आपका आउटपुट स्ट्रीम का जो पहला पैरामीटर है वो आपका आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपका पहला पैरामीटर होता है अगेन ओवरलोडेड की स्टीम इंसर्शन है या स्टीम एक्सट्रक्शन है तो दोनों की जो ओवरलोडेड की आप, आप समझ लीजिए कि उसके प्रोटोटाइप की लाइन है वो आपको याद रखनी है वो अगर आपको याद होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पैरामीटर कितने जाने हैं लेफ्ट कौन सा होगा या पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा अगेन अगर आप इसमें थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो कॉन्टेंट को दोबारा देखिए और देखिए कि ये ऑपरेटर कैसे ओवरलोड हुए हुए हैं थर्टी फाइव है असाइनमेंट ऑपरेटर इज ये तो मेरा ख्याल बहुत आसान है आप क्विकली जो है वो समझ गए होंगे कि राइट right एसोसिएटिव होता है क्यों देखिए आपने लिखा ए इज इक्वल टू बी तो राइट right एसोसिएटिव इसलिए है कि यहाँ से जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे आ रही है अगर बी ऊपर टेंथ था तो अब ए में टेंथ चला गया तो इसलिए इसको कहते हैं राइट right एसोसिएटिव तो ये तो बहुत सिंपल सा था मेरा ख्याल आपने पहली क्लिक में या फर्स्ट साइट में बता दिया होगा कि ये पहली ऑप्शन राइट right है राइट ऑप्शन ही इनफैक्ट राइट है एंड यू आर राइट 36 है इफ टैक्स इज अ पॉइंटर ऑफ ए क्लास स्ट्रिंग ये कोई पॉइंटर है टैक्स ये अपनी याद रखना है दिस इज अ पॉइंटर तो टैक्स एक पॉइंटर है किसके लिए कोई स्ट्रिंग क्लास है बेसिकली उसका देन व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट टैक्स पॉइंटर है स्ट्रिंग क्लास का तो इसका मतलब यह है किए तो क्लास मतलब के पांच और उनका किसको दे दिया टेक्स्ट का जो पॉइंटर है उसको आपने असाइन करवा दिया है जरी बात है अच्छा जब आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेमरीलोकेट करते हैं तो किसी ना किसी पॉइंटर में आप एड्रेस भी डालते हैं तो ये आपने किया ताकि बाद में को यूज भी करना है और जब यूज कर चुके हैं तो फिर आपने वो मेमोरी उस पॉइंटर को कहनी है कि अब आप उनको रिलीज कर दो तो यहाँ पे क्या हो रहा है असल में आप इस क्लास के यानी जो स्ट्रिंग क्लास है इस क्लास के पांच ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं किसकी मदद से न्यू के की की मदद से, से डायनेमिकली और उनका एड्रेस जो या है यानी जो जो पाँच आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो आपके इस पॉइंटर में टेक्स में जा रहा है

पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग पांच पॉइंटर क्रिएट हो रहे नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है पॉइंटर तो एक ही है क्योंकि एड्रेस तो उसने हैं क्रिएट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहे हैं पांच हो रहे हैं तो ये पांच ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं स्ट्रिंग क्लास के जो ऊपर भी लिखी भी, भी है पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग क्लास है और उसके बाद जो है वो उनका एड्रेस पॉइंटर को साइन हो रहा है तो ये न्यू का कीवर्ड बता रहा है कि ये क्या चीजें हो रही हैं डायनेमिकली हो रही ओके जी थर्टी सेवन है ऑपरेटर फंक्शन फॉर क्लिंग सीआउटन है कि डेफिनेशन उसकी आपको याद रहनी चाहिए तो वो रिटर्न क्या करता है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसका क्या रिटर्न करता है रेफरेंस रिटर्न करता है तो यहां पर क्लास भी गई वॉय टाइप भी गई तो अब दो रह गए रेफरेंस और हमने कहा कि चूंकि ये देखिए ये सी आउट में भी यूज़ करते हैं ना हम ऐसा लिखते हैं सी आउट और उसके बाद फिर हम ये डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन ये तो गया तो फिर द ओनली चॉइस यू आर लेफ्ट विद इज रेफरेंस ऑफ ओ स्ट्रीम ये देखिए आउटपुट स्ट्रीम है आपकी ओ स्ट्रीम और ये रेफरेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं आप एम परसेंट साइन तो ये ऑप्शन जो है बी वो आपकी करेक्ट है कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन वो क्या रिटर्न करता है आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है तो यहां डेफिनेशन बिल्कुल आप सही वही अपनी डेफिनेशन दोबारा कह दी या वो अगर आपको आती हो तो यहां से आप इस चीज को अलाइन कर सकते हैं तो एक ही चीज है थर्टी एट है आपका मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम इज ए सिस्टम रिसोर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू डी एलोकेट तो अभी हमने किसी एक एमसी में पीछे से रिलेटेड कुछ मिलती जुलती बात की थी कि हम इसको एक्सप्रिसिटली जब करते हैं तो इसका मतलब है ये मेरी आपकी जिम्मेदारी होती है ओ एस की जिम्मेदारी नहीं है अगर नहीं करेंगे रिलीज रिजर्व करके रखेंगे और यूज भी नहीं कर रहे और करते जा रहे हैं रिजर्व तो आपको याद होगा मेमोरी मैनेजमेंट में हमने यही पढ़ा था कि वो मेमोरी रिजर्व पड़ी हुई है और वहां यूज नहीं हो रही और कोई और प्रोग्राम वेट कर रहा है वो यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो रिलीज होगी तो एक में जाएगी और फिर यूज होगी तो यूं क्या हो सकता है मेमोरी कम पड़ते पड़ते इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेमोरी लीक ठीक है यानी इसे हमें अवॉइड करना है तो ये जब मैं और आप एज ए प्रोग्रामर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम तो बिफोर वी क्लोज आर प्रोग्राम आर टर्मिनेट आर फिनिश आर प्रोग्राम वी मेक श्योर कि जितनी मेमरी हमने एलोकेट करवाई है हम उसको रिलीज करें फ्री करें यूजिंग आर फ्री फंक्शन

डेटा मेंबर यूज हो जाएगा तो दिस पॉइंटर रिप्रेजेंट्स दी करंट ऑब्जेक्ट जिसको वो रेफर किया गया है लास्ट तो क्वेश्चन है और सी एन से आप क्या करते हैं की बोर्ड से रीड करते हैं तो उसका मतलब यह कि फाइल ये और ये ये दोनों तो हो नहीं सकते ये बिल्कुल नहीं होंगे तो की बोर्ड से आप क्या रीड करते हैं करेक्टर और अगर ये करेक्टर ओरिएंटेड है तो ये स्ट्रिंग कहां से आ गई ये बिल्कुल नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि फ्रॉम जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम हम गेट से एक रीड करते हैं और उसके बाद उसको बफर में डालते हैं गेट लाइन से अलबत्ता हमने कहा था पूरी लाइन जो है वो हम कर सकते हैं या रीड का फंक्शन था जो हमने कहा स्पेसिस भी यूज कर सकता है और रीड कर सकता है ठीक है तो यू हमने फोर्टी क्वेश्चन कर लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंटरमीडिएट हमने रखा है चूंकि ये पहला पूल था हमारा और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी ओके okay जी आप to बिल्कुल थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे अगेन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इन क्वेश्चन को गुजरने के बाद जो वी कैरियर आइडेंटिफाई आपने किए है उनके ऊपर जाके काम कीजिए और एक तरह से भरपूर तरीके से तैयार रहिए ताकि आप पूल टू से अच्छी तरह भरपूर फायदा उठा सकें और उनसे एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें थिंक एंड टारगेट लाइक इन शर्टी सेवन करनी है कम से कम टू थ्री की प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो शायद गलत हो जाए या मुझसे अटैम्प ना हो बट टारगेट तो आपका फोर्टी होना चाहिए और अगेन जब आप इनको कर लेंगे तो फिर आपका अगला काम क्या होगा

और इन मिलते हैं अपने पूल टू के अंदर बार बार पूछे जाने वाले सवाल और कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से निकालें अब बनाए हैं सिर्फ आपके लिए कि आपके साथ शेयर किए जाएं और आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए और आपको थोड़ा सा अतमाद दिया जाए कि आप बिल्कुल रेडी हैं ठीक है अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इन पूल पुल टू के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन के साथ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए टेक केयर खुदा हाफ़ अम